हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंद स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए राजीव गांधी प्रतियोगिता से संबंधित 10 क्वेश्चंस की सीरीज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम छोटे छोटे वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजीव गांधी जी से संबंधित जो प्रतियोगिता में सवाल आएंगे वो कौन कौन से आ रहे हैं। ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस हर बार आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक सीरीज बनाई है, 10-10 सीरीज, 10-10 क्वेश्चंस की मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये चीज़ है कि राजीव गांधी जी पैदा कब हुए थे, उनका कार्यकाल क्या था, ये सभी क्वेश्चंस इसमें हम इंक्लूड कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी 1984। वे 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों इस तरीके का सवाल आ जाता है कि राजीव गांधी जी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप उसका सही आंसर लगा के आ सकते हैं 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर ये आ जाए कि कब बने थे तो आप बता सकते हैं 31 अक्टूबर 1984। मैंने आपको यहाँ पर दोनों आंसर्स इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन में दो तीन आंसर आपको मिल जाएं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी जी ने राजनीति में अपनी सेवाएं देने से पहले, एक पेशे में अपनी सेवाएं दी थीं, राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी जी क्या करते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को मिस ना करें, वीडियो पूरी देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करके और भी आप नए नए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों पायलट, यानी से। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार से आने वाले राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी और वे एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते थे। राइट आंसर है पायलट। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, राजीव गांधी जी का जन्म को हुआ था, यानी कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1944। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि राजीव गांधी जी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो राजीव गांधी जी के जन्मदिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। मैंने ये सारे डिस्क्रिप्शन इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको विस्तार से डीपली नॉलेज मिल जाए कि 20 अगस्त 1944 को कहाँ हुआ था। अगर ये भी सवाल अगर आ जाएगा तब भी आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं कि 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म मुंबई में हुआ था। तो मुंबई में इनका जन्म हुआ था और 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस घर का नाम क्या है जहां राजीव गांधी जी ने अपने शुरुआती बचपन के दिन बिताए थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 मूर्ति हाउस। राजीव गांधी जी का बचपन 3 मूर्ति हाउस में बीता था। तीन मूर्ति भवन जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास भी था। वहीं पर राजीव गांधी जी का बचपन का पूरा ज़माना बीता, शुरुआती जो दिन थे वो इन्होंने 3 मूर्ति हाउस में बिताए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी जी ने किस स्कूल में प्रथम प्रवेश लिया था। जो फर्स्ट एडमिशन था वो था दोस्तों राइट आंसर बी,
यानी विलहम प्रेप। राजीव गांधी जी कुछ समय के लिए देहरादून के विलहम प्रेप स्कूल में पढ़ने गए थे। ये भी आ सकता है कि विलहम प्रेप स्कूल कहाँ पर स्थित है, या राजीव गांधी जी ने फर्स्ट स्कूल में एडमिशन लिया वो स्कूल कहाँ पर है, या राजीव गांधी जी देहरादून में किस स्कूल में पढ़ने गए थे, इस जैसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित दून विद्यालय भेज दिया गया था। और उसके बाद ये अगला है क्वेश्चन, राजीव गांधी जी ने किस वर्ष में सोनिया गांधी जी से शादी की थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी 1968। राजीव गांधी की मुलाकात एडविज एंटोनो एल्विनो माइनो से यानी सोनिया गांधी से हुई, जो एक इतालवी कैम्ब्रिज थी। इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद इनकी शादी 1968 में नई दिल्ली में हुई। दोस्तों मेरी आवाज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों फिर समझ लीजिए, राजीव गांधी जी की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई और इनकी शादी दिल्ली में हुई थी। ये भी सवाल आ सकता है कि राजीव गांधी की शादी जो हुई थी वो किस जगह पे हुई थी, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी के प्रयासों से किस वर्ष MTNL की स्थापना हुई। ये सवाल भी आता है, पिछली साल भी आया था, अब भी आएगा, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों बी। राजीव गांधी जी सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए थे। उनके प्रयासों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, MTNL की फुल फॉर्म बताइए, तो MTNL की फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैं डीपली लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि आपको MTNL से जितने भी सवाल आ जाएं आप उनको विस्तार से करें। चलिए दोस्तों इसमें हम करते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को भारत सरकार द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में जैसे दिल्ली मुंबई और बड़े बड़े शहरों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना था, दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करना तथा दूरसंचार के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति कराना MTNL ये भारत सरकार का कदम था। भारत सरकार, ये BSNL है, एक होता है भारत संचार निगम लिमिटेड और एक होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों अगर BSNL से आ जाए यानी भारत सरकार से आ जाए कि भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 2000 को भारत सरकार ने दो विभागों दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DTS तथा दूरसंचार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशन को DOT को सम्मिलित करके बना दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो ये है, दूरसंचार क्रांति से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए इस पर डीपली पढ़ लीजिए। राजीव गांधी जी ही थे जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाए थे। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा हमारे देश में चल रही है वो डिजिटल इंडिया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के ही ज़माने में शुरू कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीकी का जनक भी कहा जाता है। राजीव गांधी जी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह PCO खुलने लगे जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। और फिर 1986 में राजीव जी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई और दूर संचार क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। तो दूर संचार की क्रांति में अगर किसी का योगदान है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण महत्व दिया है और इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका महत्व जो है इनका बहुत ही ऊंचा मकाम है इस जगह पर, क्योंकि
भारत सरकार ने जो डिजिटल इंडिया का फर्स्ट प्रोग्राम दिया था वो इन्हीं की सरकार ने दिया था, और जो हम मोबाइल फ़ोन और ये टेलीकॉम और ये लैपटॉप वगैरह भी जो देख रहे हैं ये सब उन्हीं की सरकार में ही भारत में आए थे। और इन्होंने सी डैक कंप्यूटर मतलब सी डैक जो संस्था है सबसे दुनिया की अपने भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाती है वो भी इन्होंने ही स्थापित की थी। तो कंप्यूटर की और दूरसंचार क्रांति में राजीव जी ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा कब की थी? तो इसका सही है और राइट आंसर है डी, यानी 1986। दोस्तों इसका सही आंसर यही है और इसके बारे में समझ लीजिए, राजीव गांधी जी ने भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा की थी। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, वो भी लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसको भी पढ़ लीजिए आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु हैं शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल, बचपन की महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया जाना। 1986 की शिक्षा नीति में आधुनिकीकरण और IT की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं शिक्षा के क्षेत्र में IT का उपयोग 1986 NEP के तहत ही शुरू किया गया था। NPE ओके। उसके बाद बहुत सारे जगहों पर नए नए एजुकेशन फील्ड में तरक्कियां हुई और उन्हीं के ज़माने से आज तक जवाहर नवोदय विद्यालय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत किस कार्यकाल में हुई। तो ये सभी के राइट आंसर हैं राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी जी ने कब श्रीलंका के राष्ट्रपति जे आर जयवर्धन के साथ भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर जयवर्धन जी ने मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जयवर्धन जी ने उस पर, तो इन्होंने बहुत सारे समझौते किए थे राजीव जी ने, बट श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन जी थे और उनके साथ ही भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और ये हस्ताक्षर किए गए थे 29 जुलाई 1987 को। राजीव गांधी जी श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के साथ मिलकर इन्होंने भारत और श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैं भारत सरकार यानी राजीव सरकार के जितने भी समझौते थे और जितने भी स्कीम्स थी इनकी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उस पर तैयारी चल रही है। मैंने मैटर इकट्ठा बहुत सारा कर लिया है और उस पर भी मैं एक विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ कि राजीव सरकार ने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की थी और इन्होंने किस किस से समझौते किए थे, कौन कौन से समझौते किए थे, श्रीलंका समझौता, मिजो समझौता और मालदीव समझौते पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक सेपरेट वीडियो बना कर लेके आऊँगा आपके लिए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लगभग आप एक दिन का वेट कीजिए। कल इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, और इसके बाद दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ।